नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर रविवार को लीक होने के बाद परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा रविवार को दो पालियों में होनी थी। पहली पाली के छात्र परीक्षा कक्ष में बैठ गए थे। आधे घंटे बाद पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद सभी छात्र कमरे से बाहर निकलने शुरू हुए। परीक्षा रद्द होने की जानकारी के बाद परीक्षा केंद्रों से लेकर बस अड्डों तक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बताते चलें कि जिले में दो पालियों में होने वाली परीक्षा में 82,728 अभ्यर्थी शामिल होने थे। पहली पाली में 49,550 और दूसरी पाली में 33,178 अभ्यर्थी हैं। TET की परीक्षा CCTV कैमरे की निगरानी में होनी थी। प्रत्येक केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक सहित 13 जल दल तैनात किए गए थे, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को स्थगित कर देना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा राय है। यहाँ शहर से 14 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहीं से हम आए हैं यहाँ पेपर देने। क्या हुआ? पेपर कैंसिल हो गया। यहाँ पे पता चला है, प्रिंसिपल मैम ने, यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने बताया कि पेपर कैंसिल हो गया। बताइए, हम लोग गृहिणी हैं, कितने मेहनत से अपनी इतनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के हम लोग पढ़ाई करते हैं, और गवर्नमेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने छात्र हैं, उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कि हम लोग कैसे मेहनत से टाइम निकाल निकाल के इतना पढ़ते हैं, उसके बाद भी ये हम लोग के साथ ऐसा कर रही है। ये सब गवर्नमेंट की पूरी 100% गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट को दोषी दे रहा, प्रशासन को दोषी दे रहा, बस ये दिखावा करती है। स्कूल के बाहर इतनी पुलिस, इतना प्रशासन लगाएगी, देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़ाई हो रही है। अंदर से पेपर लीक हो जाता है। 9-10 बजे से पेपर है, 7:30-8 बजे से ही पेपर सारे बच्चों के पास पहुंच गया। हम अपने क्लास की बात बता रहे हैं, मेरे क्लास में 70-80% लोग एक घंटे में पूरा पेपर ही करके बैठ गए। इसका मतलब कि बम्पर तरीके से नकल हुई थी, बम्पर तरीके से पेपर लीक हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? शिवांगी सिंह। अच्छा, किसी का पेपर था, कैसे निरस्त हो गया? हमारा पेपर UP TET का था, जो आज अभी कुछ देर पहले निरस्त हुआ। अरे, कॉलेज वालों की जिम्मेदारी होती है, कॉलेज वाले ऐसा करवाते तभी ना होता है ऐसा। हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, लॉकडाउन लगने के कारण आ ही नहीं रहा था, अभी आया भी तो ऐसा हो गया हम लोगों के साथ। क्या ऐसा होना चाहिए? कहाँ से आप आए? हम आए अम्बेडकर नगर से, इतने दूर से। आप लापरवाही किसकी मान रही हैं? हम लापरवाही कॉलेज वालों की मान रहे हैं भाई। कॉलेज वाले ऐसा करवा रहे हैं तभी ना पेपर लीक हो रहा है। हम सरकार की गलती, इसमें सरकार की कोई गलती हो ही नहीं सकती, सरकार इसमें क्या करे? पेपर लीक कॉलेज वाले करवाते, सरकार थोड़ी ना करवाता है पेपर लीक। किसको दोष देना चाहती है? हम कॉलेज वालों को दोष देना चाह रहे हैं, सरकार इसमें कोई गलती नहीं करती है। प्रशासन से क्या मांग कर रही है? प्रशासन से भाई, इस पे जांच की जाए, जांच की जाए कि आखिर किस कारण ये हो रहा है। ऐसा हर बार होता है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम शशिकांत बिंद है। पेपर किसी का था देने आए थे? UP TET का पेपर देने आए थे, और 30 मिनट बाद कॉलेज द्वारा सूचना मिली कि पेपर रद्द कर दिया गया। क्या कारण रहा, क्यों रहा? अब वो लोग बता रहे हैं कि पेपर जो है कि आउट कर दिया गया है या आउट हो गया है, और बताए हैं कि लगभग 8 बजे ही आउट हो गया है। कौन दोषी इसमें? इसमें गवर्नमेंट दोषी है, गवर्नमेंट के कर्मचारी दोषी हैं। ये लोग अगर नहीं चाहे होते तो कैसे पेपर आउट होता? सही बात है। जब इनके पास सिक्योरिटी लगी है, इसके पहले ये लोग अभी 4 दिन पहले ही बोले थे कि यदि कोई अफवाह फैलाते हुए पाया गया तो उनको जेल हो जाएगी, उनको ये दंड दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सूचना मिली है, अब इस समय जो है कि हम लोग चाहे गवर्नमेंट दोषी है, इनकी प्रशासन, इनका प्रशासन दोषी है, इनके कर्मचारी दोषी हैं, तो इनको खुद जेल कर दिया जाए ना। अब ये छात्रों के ऊपर इतनी धमकी दी जा रही थी, छात्र कहाँ से पाएंगे? जब तक कर्मचारी पेपर नहीं निकालेगा या उनके कोई गवर्नमेंट का कोई सहयोगी पेपर नहीं निकाल के छात्रों को देगा, तब तक छात्र जो कहाँ तक फैलाएंगे, कैसे पाएंगे पेपर? क्योंकि किसी भी कर्मचारी को जो ताकत मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो सरकारी की तरफ से मिलती है। हम तो यही कहना चाहेंगे, इसमें सरकार भी दोषी है और इनके कर्मचारी संपूर्ण रूप से दोषी हैं।